जय हिंद साथियों। साथियों आज हम लेकर हाजिर हैं बीएड फर्स्ट ईयर के कोर्स नंबर 3 जिसका नाम है लर्निंग एंड टीचिंग। तो लर्निंग एंड टीचिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन के साथ आज हम हाजिर हैं साथियों। आज का क्वेश्चन है शिक्षण के पूर्व क्रियात्मक अवस्था। शिक्षण के पूर्व क्रियात्मक अवस्था क्या है? शिक्षण के पूर्व क्रियात्मक अवस्था में एक शिक्षक की भूमिका क्या होना चाहिए, इसका वर्णन करिए। यानी कि शिक्षण के पूर्व क्रियात्मक अवस्था क्या है और इसके इसमें शिक्षक की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में बताना है, वर्णन करना है। तो चलिए इसके आंसर की ओर हम आगे बढ़ते हैं। इसका क्या आंसर होगा? तो सबसे पहले शिक्षक की पूर्व क्रियात्मक अवस्था को हम लोग देखेंगे कि क्या है शिक्षक की पूर्व क्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में अध्यापक शिक्षक नियोजन करता है। यानी कि इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में कोई भी अध्यापक जो है एक शिक्षक की नियोजन करता है, योजना बनाता है। अध्यापक पढ़ाने से पहले शिक्षण की नीतियां, उद्देश्यों का निर्धारण, अनुदेशन आदि का चयन करते हैं। यानी इसमें क्या होता है, तो शिक्षक जो है पढ़ाने से पहले नीतियां, उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, मतलब कि उद्देश्य बनाते हैं, नीतियों को समझते हैं। उसके बाद क्या लिखता है कि ये समझना पड़ता है कि आखिर किस तरीके से पढ़ाना है क्लास में, और इस अवस्था में वह सभी क्रियाएं आती है जो शिक्षक की कक्षा में जाने से पूर्व करना पड़ता है। यानी कि इस अवस्था में वो सभी शिक्षक जो है का वो गुण आना चाहिए जो पढ़ाने से पहले उनको आना चाहिए। इसमें अध्यापक अपने शिक्षण को सफल बनाने के लिए चिंतन करते हैं। यानी इसमें जो है अध्यापक ये सोचते रहते हैं कि हमको किस तरीके से शिक्षण को सफल बनाना है। आगे लिखा है शिक्षण में शिक्षक की भूमिका। यानी कि शिक्षा टीचिंग में एक टीचर का क्या रोल होता है, उसको यहाँ लिखे हैं। तो लिखा है इसमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यानी कि एक अमेरिका जिसको बोल सकते हैं हम लोग संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के डॉक्टर, एक डॉक्टर हैं जिसका नाम है एफएल। ये अमेरिका के डॉक्टर हैं एफएल क्लैप, पूरा नाम इनका जो है डॉक्टर एफएल क्लैप है। इन्होंने अध्ययन किया जिसके आधार पर उन्होंने अच्छे शिक्षक के व्यक्तित्व के 10 गुणों का उल्लेख किया। देखिए तो अमेरिका के जो एक संयुक्त शिक्षक हैं, एक बहुत ही महान ज्ञाता बोल सकते हैं, तो इन्होंने जिनका नाम है डॉक्टर एफएल क्लैप, इन्होंने बहुत अध्ययन किया और उसके बाद कोई भी टीचर का, एक अच्छे शिक्षक का क्या गुण होना चाहिए उसके बारे में बताया है, जो कि निम्नलिखित है और इनके इन्होंने 10 गुणों का उल्लेख किया है। चलिए देखते हैं 10 गुण कौन कौन सा है। पहला है संबोधन, यानी कि उस शिक्षक में संबोधन की गुण आना चाहिए, मतलब कि किसी भी बच्चे को कैसे संबोधित करना, ये बाबू इधर आओ, तुम ये किए हो कि नहीं, होमवर्क बनाए हो कि नहीं, तो अच्छा से संबोधन करने का एक गुण होना चाहिए उनमें। दूसरा है आशावादित, यानी कि एक आशा के साथ, एक एम के साथ, एक उद्देश्य के साथ शिक्षण को बांटते हों, शिक्षण को देते हों अपने बच्चे को। अगला है उत्साह होनी चाहिए उसमें, ये नहीं कि हमको पढ़ाने का मन नहीं है, ज़बरदस्ती एक पेशा है, बस आके एक रोल निभाना है, तो ये सब नहीं चलेगा, एक उत्साह के साथ काम करना होगा, तो उत्साह भी गुण में आता है। और अगला है व्यक्तिगत आकृति। व्यक्तिगत आकृति का मतलब ये हुआ कि किसी भी पर्सनल, अगर कोई बच्चा पर्सनली अगर अनडिसिप्लिन है या फिर अनएजुकेटेड है, उसको एजुकेशन देना, तो ये व्यक्तिगत आकृति जो है एक अलग ही गुण है। अगला है संयम। संयम मतलब होता है कि आप धैर्य रखें, एक शिक्षक का एक धैर्य रखना, ये नहीं कि आप कोई भी स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो बहुत कम चीज़ों को समझते हैं, बहुत देर से याद करते हैं, तो उसके प्रति खुंखार के जैसा बरसना नहीं चाहिए, संयम रखना चाहिए। अगला है मानसिक निष्पक्षता, यानी कि एक मैच्योरिटी होना चाहिए, एक मानसिकता होना चाहिए। अगला है शुभ चिंतन,
यानी कि एक बच्चों के प्रति एक चिंतन होना चाहिए, एक चिंतनशील शिक्षक होना चाहिए। अगला है सहानुभूति, यानी उस शिक्षक के अंदर सहानुभूति की गुण होनी चाहिए। और अगला है जीवन शक्ति, और सबसे लास्ट है विद्वता, उसके अंदर विद्वता की गुण होनी चाहिए। तो ये थे 10 गुण जो अमेरिका के बोल सकते हैं महान शैक्षणिक डॉक्टर एफिल, उन्होंने ये 10 गुण को दिया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं शिक्षक की कुशलता बढ़ाने में सहायक तकनीक कौन कौन सा है। कोई भी अगर शिक्षक कुशल नहीं है तो उनकी कुशलता को बढ़ाने के लिए कुछ तकनीक इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ टेक्निकल यूज किए जाते हैं। वर्तमान में शिक्षक को तकनीकी उपकरण से छात्र के शिक्षण में सहायता करनी होगी। बोला गया है कि वर्तमान में शिक्षक जो है अगर कार्य कुशल नहीं है, उस तरह से अच्छे टीचर नहीं है, तो अच्छे टीचर बनने के लिए, नॉलेज पाने के लिए आजकल जो है तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे शिक्षण प्रक्रिया को सरल और रोचक बना सके। यानी कि जो है शिक्षक जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, टेक्निकल का इस्तेमाल करके और बच्चों को शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाते हैं और रोचक बना सकते हैं। साथ ही साथ छात्रों में व्यवसायिक, सामाजिक, नैतिक इत्यादि गुणों का विकास करना होगा। यानी कि इससे क्या होता है, तो इससे एक फायदा है कि बच्चों के अंदर व्यवसायिक, सामाजिक, नैतिक विकास में मदद मिलती है। शिक्षक की कुशलता बढ़ाने में सहायक तकनीक उपकरण का वर्णन नीचे किया गया है। यानी कि ये नीचे वैसा तकनीक है जिसकी सहायता से शिक्षक सहायता लेकर अपने बच्चों को अच्छे शिक्षा दे पाते हैं। तो पहला जो है, कोई भी टीचर कंप्यूटर का इस्तेमाल करें। कंप्यूटर का इस्तेमाल करके कोई भी शिक्षक एक अच्छा ज्ञान प्राप्त करता है और उस ज्ञान को अपने बच्चों के साथ साझा करता है। दूसरा, इंटरनेट का यूज करें। अगर कोई भी टीचर का नॉलेज अच्छा नहीं है, अच्छा कुशल नहीं है, कुछ कमियाँ हैं उनमें, तो इंटरनेट का भी यूज करें और इंटरनेट का यूज करके बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। वैसे ही एक तीसरा है फैक्स। फैक्स का भी यूज कर सकते हैं टीचर, और इन फैक्स की यूज करके बच्चे को अच्छा दे शिक्षा दे सकते हैं। अगला है सीडी रोम, फिर है वीडियो डिस्क। तो ये ऐसे 5 टेक्निकल हैं जिनकी सहायता से एक टीचर को अच्छा कुशल बनाता है। फिर आगे लिखा है शिक्षण का स्तर, यानी कि आखिर क्या टीचिंग का लेवल क्या होना चाहिए, स्तर क्या होना चाहिए। तो शिक्षण करना एक जटिल प्रक्रिया है, ये आसान काम नहीं है कि एक बच्चे को एक अच्छा ज्ञान देना। तो ये एक अपने आप में आसान काम नहीं होता है, यह एक जटिल काम है जो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है। जो किसके लिए प्राप्ति के लिए, उद्देश्य के लिए, एम पाने के लिए। शिक्षा कक्षा में विभिन्न कार्यों को संपन्न कराने के लिए एक व्यस्क है। यानी कि शिक्षा जो है क्या है, तो एक व्यस्क विभिन्न कार्यों, यानी कि शिक्षा जो क्लास है, कक्षा है, उसमें अलग अलग काम होते हैं और उस काम को अंजाम देने वाला एक शिक्षक होता है, जिसका उद्देश्य छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना है। और जिसका मेन उद्देश्य क्या है, तो एक छात्र जो है कैसे उसके अंदर वो गुण आएगा कि वो चीज़ों को समझ पाएगा, तो ये काम होता है एक शिक्षक का। फिर आगे लिखा है सामान्यतः इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में वांछित परिवर्तन उत्पन्न करता है। अब शिक्षण देने से, किसी बच्चों को ज्ञान देने से क्या फायदा होता है, तो सामान्य तौर पर इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में एक वांछित परिवर्तन उत्पन्न करता है, एक अचानक बदलाव दिखता है। शिक्षण अधिगमन की परिस्थितियाँ निम्नलिखित 3 रूपों में विभाजित करती है। यानी कि जो शिक्षा का जो अधिगम है या शिक्षा का जो स्तर है, वो अलग अलग 3 रूपों में विभाजित किया जाता है। पहला का नाम है स्मृति स्तर, दूसरा का नाम है बोध स्तर, और तीसरा का नाम है चिंतन स्तर। तो याद रखिएगा,
कि जो शिक्षण का स्तर होना चाहिए वो अलग अलग, ऐसा नहीं है कि जो छोटा बच्चा है और उसको ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जो 10वीं 12वीं की जो देना चाहिए, तो इसलिए अलग अलग लेवल बनाया गया कि अलग अलग लेवल को समझकर अलग अलग उन्हें शिक्षा दी जाए। तो उसी तरीके से 3 कैटेगरी में बांटा गया है, स्मृति, बोध, चिंतन स्तर। तो साथियों ये थे बीएड फर्स्ट ईयर के कोर्स नंबर 3 लर्निंग एंड टीचिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। साथियों इस चैनल से आप जुड़े रहें, बीएड से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकती है वो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। साथियों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो साथियों आज इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में एक नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।